आज हम दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही में इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊँगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर पेस मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी भाई साहब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूटूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्डमेंट्स से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती है तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर रहे ना तो और टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही है या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है वो पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई एम है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को एटी परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हमें कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की भी डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बिफोर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा जान ने जैसी मूवीज़ को बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवा की सो इसके अलावा योगी राशिर और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलते हैं कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इंपॉर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़किया होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था, था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी करके बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कोई यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस अब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूटूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी हो पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी अगर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियन, ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पे सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़किया होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था, था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस झाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके डेथ भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाइस अब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल यह ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर भी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं क्या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी हो पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हमें कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा जान जैसी मूवी जो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा सो इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पे सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता है कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा अगर आप इस मूवी को प्रीमियर देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर भी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि YouTube पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग YouTube पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी YouTube पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़ॉन प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हमें कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युथलाय पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी भी डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीज़ जो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरीओ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ अभी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने और उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कोई यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको यह मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर पेस मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छो टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी अच्छा टी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी हो पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियन, ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवॉर्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ अभी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर, कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हो आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्ला, क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यू है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाई सब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल यह ये आता तो है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूटूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूटूब पर रहे ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालाँकि जो गोल्ड माइंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युतलाय पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की भी डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बिफोर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीज़ों बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिक इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलते हैं कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था, था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि चूंकि हाला अभी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमेस दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहथ भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों अं� काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को प्रीमियर देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएंगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छो टी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूटूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूटूब पर है ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो गए क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की भी डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बिफोर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीज़ वो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुंचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है, है? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों अं� काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाइस अब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता तो है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूटूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर 10 आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा ने जैसी मूवीज बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज देख सकते है, हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी फिर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिस वीरा बालाजी शिवा के सो so, इसके अलावा योगी राशरयो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलते हैं कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूंकि हालाँकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता है कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी भाई बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे टी भी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युथलाय पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा ने जैसी मूवीज़ मूवीज़ों बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवा कार्तिक सो इसके अलावा योगी राशोरीओ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको जरूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों एवॉर्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है, है? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि हालांकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने और उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कोई यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर पेस मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाइस अब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन स्टार मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो गए क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डिबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी अगर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियन, ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पे सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ अभी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको यह मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को प्रीमियर देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैंड पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युतलाय पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की भी डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीज़ों बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिक इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलते हैं कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूंकि हालांकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है या पे पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छो टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि YouTube पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग YouTube पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी YouTube पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की भी डबिंग राइट्स जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बिफोर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा ने जैसी मूवीज़ मूवीज़ों बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों एवॉर्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़किया होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी करके बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दैद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल यह ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालाँकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूटूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो गए क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बिफोर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाय करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर प्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिक इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों एवॉर्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूंकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाई सब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता तो है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएंगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूटूब पर है ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते होंगे क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाय किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा जान ने जैसी मूवी जो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर प्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवा शिवाकार्ती सो so, इसके अलावा योगी राशरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुंचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़किया होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था, था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे क्योंकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी करके बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कोई यूँ है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूटूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब तो पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेय पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड माइंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी अगर ड्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी अभीरा, राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियन, ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पे सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़किया होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था, था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दैथ भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाइस अब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर भी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूटूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर पी उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड माइंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है वो पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हमें कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवी जो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर प्रॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा सो इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पे सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो तो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता है कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा अगर आप इस मूवी को प्रीमियर देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी छोटी आर भी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि YouTube पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग YouTube पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी YouTube पर है ही ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़ॉन प्राइम या फिर एम एक्स प्ले पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हमें कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युथलाय पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीज को बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवा कार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशोरीओ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी हो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी बहुत, मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ भी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर, कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने और उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेस के अंदर होता कोई यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको यह मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर पेस मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाईस नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल यह ये आता तो है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छो टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूट्यूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूट्यूब पर है ही ना तो टी पर काफ़ी अच्छा टी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेजोन प्राइम या फिर एम एक्स प्लेय पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या फिर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युथलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा चैनल जैसी मूवीजो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनके आप और भी मूवीज़ देख सकते हैं वड़ा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार जरूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अमू अभिरा अभिरामी राज, पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सैंड्रियन, ए वेंकटेश नितीश वीरा बालाजी शिवाकार्तिकी सो इसके अलावा योगी राशिरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुँचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवॉर्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है हुए? गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूँकि हालाँ अभी हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमैक्स दोस्तों काफ़ी गज़ब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता कुछ यू है कि धनु उसके बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहद भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मेरा वादा है कि आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्रे में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज हम दोस्तों साउथ के कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो आप एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है साथ ही मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और मूवी के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारी मिलती रहेंगी चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो वैसे दोस्तों असुरन मूवी को बहुत पहले रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हिंदी में जो थी वो हमें गोल्ड मैन पर देखने को मिली थी हालांकि इसके बाद में रीमेक भी आए थे पर वो हिंदी में नहीं आया है क्योंकि ये एक मास्टर मूवी थी और उसके अंदर जो धनुष ने एक्टिंग की थी बाई सब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की हुई है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस मूवी को हम यूट्यूब पर कब देख पाएंगे तो हालांकि दोस्तों ये मूवी पहले से यूटूब पर उपलब्ध थी और जो गोल्ड मैंड से इन्होंने इस मूवी को प्राइवेट कर लिया है इसकी सिंपल वजह है कि वो इस मूवी को टी वी पर चलाएँगे वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छे टी मिलते हैं जब ये मूवी टी पर चलती है अगर वे इस मूवी को जो है वो दोस्तों यूटूब पर रिलीज़ कर देंगे तो इनको जो है वो दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज़ हो जाती हैं तो सब लोग यूटूब पर ही देख लेंगे और मूवी को वो जो है मतलब टी पर कम देखेंगे तो अगर मूवी यूटूब तो पर रहे ना तो टी पर काफ़ी छोटी आर उनको मिलता है तो यही वजह रहती है कि वो मूवीज़ को प्राइवेट कर लेते हैं तो मूवी को सिर्फ प्राइवेट किया है पर कुछ दिनों बाद इस मूवी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी बहुत जल्दी ही देख पाएंगे अब पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा बाकी ये मूवी आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं हो सकता है कि ये मूवी आपको आने वाले समय में अमेज़न प्राइम या फिर एम एक्स प्लेयर पर देखने को मिले तो बहुत जगह पर मूवी अवेलेबल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं या पर आपको इस मूवी के कोई ना कोई क्लिप ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे हालांकि जो गोल्ड मैंड है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का क्लिप अपलोड किया हुआ है आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको इस मूवी की जो कहानी है पूरी समझ आ ही जाए तो मूवी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी भी मूवी की काफ़ी अच्छी है तो ये मूवी जो है वो ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनाई गई है इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल का भी है इस मूवी को 2019 में तमिल भाषा में रिलीज़ किया गया था इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार आई थी जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ एट की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को साढ़े तीन सारे मिले थे और इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मूवी की कहानी सच में कमाल की है इस मूवी को डायरेक्ट किया था वेटरी मारन ने जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं अगर आप लोगों ने साउथ की मूवीज़ देखी होगी तो शायद इन्हें जानते हो क्योंकि तो दोस्तों काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है और दोस्तों इन्होंने धनुष के साथ भी काम किया हुआ है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं अगर हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी विद्युत विद्युतलाई पार्ट वन जो कि उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की डबिंग राइट जो है गोल्ड मैन ने बाई किए हो सकते हैं या फिर बी फॉर यू बट यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि जो गोल्ड मैन है वही इस मूवी का जो पहला पार्ट आया है उसके डबिंग राइट्स को बाई करेंगे तो ये भी काफ़ी सही मूवी है इसके अलावा वड़ा जान ने जैसी मूवी जो बाई कर चुके हैं मतलब बना चुके हैं तो वो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है इनकी आप और भी मूवीज देख सकते है, हैं वाडा चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी तो दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो काफ़ी कम था और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस मूवी का कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ था इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो पचास करोड़ का हुआ था और तकरीबन इस मूवी का बजट पंद्रह करोड़ का दिखाया जा रहा है तो ये एक हिट मूवी रही थी और इस मूवी का कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आपको एक्टर धनुष इसके अलावा मंजू वरियर अम्मू अभिरा अभिरामी अभीरा, प्रकाश राज पशुपति आर वेलराज कैन करुणास सुब्रमण्यम शिवा बाला हसन पवन सेंड्रियान ए वेंकटेश नितिश वीरा बालाजी शिवा शिवाकार्ती सो so, इसके अलावा योगी राशरियो और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है वैसे यहाँ पर आपको जो है वो धनुष के अलग रोल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है मूवी से आपको यही बात सीखने को, को मिलती है कि अगर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी फैमिली है अगर फैमिली पर कोई आँच उठाता है या फिर कोई नुकसान पहुंचाता है तो इंसान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको बुरा बनना पड़ता है वो आपको ये बात जो है इस मूवी से आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी वैसे इस मूवी के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिलती है इस मूवी को दोस्तों अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एक्टर के रोल में जो कि यहाँ पर धनुष को मिला था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग की थी वो काफ़ी कमाल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल की थी अब चलिए जानते हैं मूवी की कहानी क्या है और हमें इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर धनुष जो है तो दोस्तों यहाँ पर आपको शिवा स्वामी के रोल में देखने को मिलता है और ये मूवी दोस्तों इतनी कमाल की है ना कि आप जब इस मूवी को देखेंगे ना तो आप एक सिंगल पल के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं चलिए बात करते हैं कि इस मूवी की मैन जो कहानी है वो क्या है मैन जो प्लॉट है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो पुराने टाइम पर सेट की गई है जब यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब तो अमीर लोग जो है गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत गलत करते थे जैसे कि उनकी कोई लड़कियाँ होती है तो उनको छेड़ते थे और भी मतलब बहुत, बहुत कुछ करते थे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पावर रहता था तो पावर के चलते वो बहुत कुछ कर पाते थे चूंकि हालांकि हालाँकि अब भी ऐसा ही होता है गाँव के अंदर तो इसमें कुछ होता ये है कि एक किसान अपने परिवार के साथ भाग जाता है क्योंकि वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए मजबूर है जिसने प्रतिशोध की भावना से एक अमीर उस जाति के ज़मींदार की हत्या कर ली होती है अब यहाँ पर वो लोग तो कैसे भी कर बदला लेंगे ही लेंगे अब यहाँ पर इसका पिता कैसे अपने उसका जो बेटा है उसे कैसे प्रोटेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलता है इस मूवी का क्लाइमेस दोस्तों काफ़ी गजब का है क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर होता कुछ यूँ है कि धनुष के बेटे को काफ़ी सारे चोटें आती है और हो सकता है कि उसके दहथ भी हो जाए अब वो कैसे जो धनुष है वो अपने बेटे का बदला लेता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी शानदार है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है आपको जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को एक बार जरूर देखिए मेरा वादा है कि आपको यह मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है या फिर पब्लिक किया जाता है तो भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूँगा अगर आप इस मूवी को भ्री में देखना चाहते हो तो जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर अक्सर आती है तो आप इस मूवी को गोल्ड मैन के टी चैनल पर जाकर देख सकते हैं